नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। अमरोहा में हाईवे पर चलती कार आग का गोला बन गई, जिसमें बैठे सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं हाईवे पर लगी आग से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। अमरोहा के थाना नौगवा के मुंडाखेड़ा गाँव के पास ये हादसा हुआ। रामपुर के बिलासपुर में सी अनुज कुमार चौधरी ने अपनी पूरी टीम के साथ एक घर में छापे मारकर कार्रवाई की, जिसमें मौके पर भारी मात्रा में गौकशी कर मांस रखा गया था। पुलिस ने मौके से 100 किलो गाय के मांस के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में लूट के इरादे से बाइक शोरूम में बदमाश घुस गए। बाइक एजेंसी का चरण तोड़कर शोरूम में घुसे बदमाश। एजेंसी मालिक विनय जसवाल की सूचना पर पुलिस पहुंची। बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में कांस्टेबल को गोली लग गई। पुलिस को चकमा देकर बदमाश फरार हो गए। घायल कांस्टेबल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। लालगंज कोतवाली इलाके का ही पूरा मामला। चंदौली में जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरे जनपद में शांति व्यवस्था कायम होने का दावा किया जाता है, वहीं पुलिस की लापरवाही से पूर्व प्रधान की हत्या हो गई। ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। वृंदावन श्री पागल बाबा ट्रस्ट के बहुप्रतीक्षित 50वें अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया गया। अस्पताल को कोविड की तीसरी लहर की दृष्टि से तैयार किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर से उपजी विषम परिस्थितियों में कोविड अस्पताल की जरूरत पूरी करने के उद्देश्य से पागल बाबा ट्रस्ट ने अपने बंद पड़े अस्पताल को सुचारू करने का ऐलान किया था, लेकिन कई तकनीकी खामियों और प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की कमी के चलते अस्पताल को करने में देर हुई। कानपुर में मामूली कहासुनी के बाद नशेबाज बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पिता को गोली मारने के बाद बेटे ने खुद अपने हाथ काट लिए। नशे में धुत बेटे ने अपने हाथ काटने के बाद गांव में टहलने लगा, जिससे गांव में दहशत का माहौल हो गया। आरोपी बेटे को टहलता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला रसूलाबाद का बताया जा रहा है। बरेली में पीएसी 8 बटालियन में तैनात एक एचसीपी की पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ छत से कूद गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला और उसके दोनों बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के पति की ड्यूटी इन दिनों लखनऊ राजभवन में लगी हुई है। पुलिस द्वारा उसको सूचना दे दी गई है। हरदोई जिले के मौजिला थाना इलाके के एक गांव में एक विदेशी युवती का सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती गांव के एक युवक पर अभद्रता का आरोप लगा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान युवती हरदोई में फंस गई थी। युवती गांव के एक युवक से फेसबुक पर दोस्त बन गई थी। श्रावस्ती में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम पारा 23 डिग्री पर पहुंच गया है। उमस भरी गर्मी से जिलेवासियों को राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, जलजमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलिया में हमेशा खबरों के सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं क्रय केंद्र बंद रहने पर धरने पर बैठ गए। मामला बैरिया के सोनबरसा गेहूं केंद्र का है। बताया जा रहा है कि ये गेहूं क्रय केंद्र पिछले कई दिनों से बंद चल रहा था। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गेहूं क्रय केंद्र बंद रहने पर वहीं धरने पर बैठ गए और गेहूं क्रय केंद्र तत्काल खोलने की मांग करने लगे। सुरेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि अफसर अपनी लापरवाही और गैर जिम्मेदार कार्यप्रणाली से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एसडीएम बैरिया और जिला विपणन अधिकारी ने नियमित क्रय केंद्र खोलने के आश्वासन के बाद बीजेपी एमएलए सुरेंद्र सिंह ने धरना खत्म किया है। गोरखपुर में महामारी एक्ट का पालन करने में खोराबार पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। बारात में तमंचे पर डांस के वीडियो तमाम वायरल हो रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बगैर मास्क असले के साथ लोग घूम रहे हैं और डांस करते हुए नजर आते हैं। डांस के दौरान युवक ने बारबालाओं के साथ जमकर ठुमके लगाए हैं, साथ ही साथ असला भी लहराया है। शिनाख्त पर तमंचे पर डिस्को कर रहे युवक अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बीते मंगलवार को खोराबा थाने के जंगल रामलखना में ये बारात आई थी। ये पूरा मामला वहीं का बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस लीपापोती भी कर रही है। हरदोई में प्रशिक्षित सिपाहियों को शपथ दिलाई गई और पुलिस लाइन में पासिंग आउट रिक्रूट आरक्षियों को शपथ दिलाई गई। पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उसका निराकरण करने की बात भी कही गई है। अपना व्यवहार शालीन बनाए रखने की भी अपेक्षा किया गया और 141 रिक्रूट आरक्षियों को एएसपी ने शपथ दिलाई है। गोरखपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसमें एक युवक तमंचा लिए हुए नजर आ रहा है। वायरल फोटो ने प्रशासन की पोल खोल दी है। असले के साथ सोशल साइट पर ये फोटो डाला हुआ है और बिना किसी डर के युवक दोनों हाथों से
असला लहराता हुआ नजर आ रहा है। युवक का नाम धर्मेंद्र निषाद बताया जा रहा है, जो कि श्रीराम निषाद ग्राम जंगल रामकला बिंद टोली का बताया जा रहा है। खराबा थाना प्रभारी ने प्रकरण की जांच की बात कर पल्ला झाड़ लिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।